ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार के बेगूसराय से इस समय कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह के बीच में मुख्य मुकाबला होने जा रहा है और इसमें ज्योतिषीय गणना क्या कहती है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और मैं नए दर्शकों को बता देता हूँ कि मेरी पुरानी 23 भविष्यवाणियाँ सत्य हो चुकी हैं। उन सारे भविष्यवाणियों को आप पुराने वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं और आने वाले टाइम में कितना मेरा प्रोडक्शन सही होगा इसके लिए मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा आफ्टर रिज़ल्ट। और उस समय तक आप मेरे हर प्रोडक्शंस को मॉनिटर कीजिए कि मैंने क्या क्या बताया और अपना कमेंट ज़रूर वहाँ पर लिखिए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी वहाँ पर जीतेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे कन्हैया कुमार जी की कुंडली से। देखिए, कन्हैया कुमार की जो कुंडली बनती है वो अगर हम देखते हैं तो कुंभ लग्न की कुंडली बनती है जिसमें द्वितीय भाव में मंगल के साथ राहु बैठा है। राहु जो होता है राजनीति का कारक माना जाता है और राहु जो होता है उसकी जो दसवीं दृष्टि नौवीं दृष्टि जो पड़ रही है वो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो दसवें स्थान पे पड़ रही है जहाँ पर कर्म का स्थान होता है और साथ में ही वहाँ पर शनि यानी न्यायाधीश जो होते हैं उनकी उपस्थिति वहाँ पर शुक्र के साथ ऑलरेडी है। तो निश्चित रूप से राजनीति में तो इनको आना ही था और इसीलिए 2015 में जो जुपिटर की जब इनकी चंद्रमा के अंदर जुपिटर में चंद्रमा की जब अंतरदशा चली थी तो ये 2015 में जीएनयू से जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार में इन्होंने विजय प्राप्त किए थे तो निश्चित रूप से इनको राजनीति में आना था और युवा वर्ग भी इनको वहाँ पे सपोर्ट करता था क्योंकि मंगल जो है वाड़ी में बैठा हुआ है उनके और मंगल जो है अगर वाड़ी में बैठ जाए तो अपने प्रभाव से क्योंकि बड़ी मेहनती प्लैनेट होता है एग्रेसिव प्लैनेट होता है तो एग्रेसिवनेस और राहु जो राजनीति इन दोनों का मिला जुला जो प्रभाव होता है वो उनके अंदर कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं इनके चंद्रमा की पोजीशन तो चंद्रमा और गुरु का गज केसरी योग भी बना है जो कि इनको स्टडी हायर स्टडीज़ के लिए यानी इन्होंने पीएचडी बनाया है इसलिए अपने आगे डॉक्टर वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि ये पीएचडी कर चुके हैं तो इसलिए गुरु और चंद्रमा का जो ये गज केसरी योग है इनको शार्प माइंडेड बताता है और मस्तिष्क का जो पोजीशन होता है उसमें भी चंद्रमा की उपस्थिति है तो कहीं ना कहीं इनका माइंड शार्प होगा और केमद्रिक दोष से ये छूटा हुआ है क्योंकि इसमें केमद्रिक दोष नहीं लग रहा है क्योंकि चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। और अगर देखा जाए तो कुंडली हर तरीके से पावरफुल मुझे दिखाई दे रही है और अगर हम अंतर दशा और दशा की बात किया जाए तो 2016 में चंद्रमा के अंदर जुपिटर के चंद्रमा के अंदर सूर्य की उपस्थिति थी और जब ये अंतरदशा आई थी सूर्य की अंतरदशा आई थी तो इनके लिए एक मुसीबत बन गई थी और जो राष्ट्र विरोधी नारे लग रहे थे उनमें इनको इनका नाम भी सम्मिलित हुआ जिसके कारण इनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट भी किया। बाद में इनको 2 मार्च 2016 में बेल भी मिली और उसके बाद जब मंगल की दशा स्टार्ट हुई फिर इन्होंने अपने वाणी से यानी अपने बोली से इन्होंने ज़्यादा प्रभावी रूप से इनके स्पीच फेमस हो गए और जनता में विशेष रूप से युवा वर्ग में जोश बढ़ा। लेकिन मैं यहाँ पर यह बता दूँ कि जो गोचर की जो बात मैं कर रहा हूँ इस समय राहु की जो ट्रांजिशन हुई है 7 मार्च को वो वोटिंग के दिन की भी पोजीशन अगर मैं देखता हूँ इनके लगन से यानी चंद्र लगन से भी मैं देखता हूँ तो राहु और चंद्र का जो यहाँ पर विष योग बन ग्रहण योग बन रहा है वो निश्चित रूप से इनको ओवर कॉन्फिडेंट तो बना रहा है और ऐसे जातक ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में उनको विजय नहीं मिलती क्योंकि आंखों पर पट्टी बन जाती है वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं वो उनको लगता है कि सब कुछ सही है लेकिन जनता तक उनकी वाणी पूरे तरीके से नहीं पहुंच पाती है। इसके विपरीत अगर हम गिरिराज सिंह जी की कुंडली देखते हैं तो वहाँ पर बुध आदित्य योग बना हुआ है और बुध आदित्य योग जो है उसमें लगन जो है लग्नेश की दशा भी चल रही है और लग्नेश की दशा अभी 2028 तक इनकी चलेगी और इनमें
जो लग्नेश जो है वो द्वितीय स्थान पर है। ये वृद्ध वर्ग यानी 50 से ऊपर वाले जो लोग होते हैं उनके, क्योंकि वृद्ध वर्ग के लिए यानी जो प्लैनेट बृहस्पति होता है वो काफ़ी वृद्ध होता है, काफ़ी बड़ा प्लैनेट होता है, तो वृद्ध वर्ग में इनका ज़्यादा वोट मिलने की संभावना है। जबकि युवा वर्ग से जो वोट मिलेगा वो कन्हैया जी को युवा वर्ग से मिलने की संभावना ज़्यादा लग रहा है। लोकल लोग इनको समर्थन दे भी रहे हैं। लेकिन अगर बात किया जाए गिरिराज की अंतरदशा की और कन्हैया कुमार की कुंडली की अंतरदशा में, तो गिरिराज जी की जो कुंडली है वो ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सूर्य के जो राहु का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो जनता के स्थान पे पहुंच जा रहा है, उच्च का हो रहा है और कर्म क्षेत्र को देख रहा है। तो निश्चित रूप से मैं इस कंडीशन पे यानी लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और जो गोचर है इनका जो रिजल्टेंट अगर मैं मिला दूं तो गिरिराज जी की जो कुंडली है वो ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है। कन्हैया जी की भी कुंडली बहुत कम नहीं दिखाई दे रही पावरफुल, लेकिन जो ग्रहण योग है वो एक निगेटिव योग इनके लिए बन रहा है गोचर में चंद्र लगन चंद्र कुंडली के हिसाब से। लेकिन यहां पर जो मैं देख रहा हूं, चाहे मैं चंद्र कुंडली के हिसाब से देखूं या लगन कुंडली के हिसाब से गिरिराज जी की कुंडली देखता हूं, ये हर दृष्टिकोण में मुझे जबरदस्त दिखाई देती है। लक का साथ भी इन्हें यहां पर दिखाई दे रहा है और जनता का जो पोजिशन है उसमें राहु का जो प्रवेश हुआ है 7 मार्च से, ये जनता में अपना स्थायित्व बना पाएंगे। जो बातें होंगी दोनों में, जो मतों का जो अंतर होगा वो ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, क्लीन स्वीप वाली बात तो नहीं होगी, इस बात को मैं 100% कह सकता हूँ कि एक पक्ष जीत जाएगा ऐसा नहीं होगी। टक्कर जो होगी कांटों की टक्कर होगी और उसमें जो ग्रहों की जो पोजीशन दिखाई दे रही है उसमें गिरिराज के नाम सफलता हासिल होगी, ये मेरी भविष्यवाणी है। और इस भविष्यवाणी का कितना प्रतिशत सही होगा या गलत होगा वो आने वाला टाइम बताएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा, जाते जाते कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा कन्हैया कुमार या गिरिराज जी कौन जीतने वाले हैं।